हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पर है। वो जब से कार्स में एयरबैग आने स्टार्ट हो गए हैं, एयरबैग टेक्नोलॉजी, तब से ही क्वेश्चन आता जा रहा है। कई बार ये जो एक डाउट है ये क्रिएट किया जाता है सर्विस सेंटर्स की तरफ से, और कई बार ये लोग अपने लॉजिक जब लगाते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन में जब किसी चीज़ का फॉल्ट होता है, तब इस तरह के मिथ्स जो हैं वो फैलाने शुरू कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक टेंडेंसी है कि अपना जो ब्लेम है वो दूसरे पर डाल देना। वही आज मैं एक डाउट जो है उसे दूर करने वाला हूँ। उससे पहले क्या करना है आपको, आपको पता है लाल वाला, वही जो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद एंजॉय करिए वीडियो को। जब भी आपका एक्सीडेंट, आपका नहीं और ना भी हो, जब भी आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं या किसी का होता है तो वो कंप्लेन करता है कि मेरी कार में एयरबैग नहीं खुले। ये बहुत एक कई लोगों के साथ ये सिचुएशन आती है और वो ये कहते हैं कि एयरबैग नहीं खुले, एक्सीडेंट इतनी तेज़ हुआ, अब क्या कब खुलेंगे एयरबैग। और कुछ लोग होते हैं जिनका जरा सी लगती है गाड़ी और हम देखते हैं आगे से ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता, सिर्फ बम्पर का डैमेज होगा, हल्का फुल्का जो पार्ट होता है वो ग्रिल तक आ पाता है उसका जो इम्पैक्ट है, और उनके दोनों एयरबैग खुल जाते हैं। उस समय उनकी कंप्लेन होती है। कई बार लोगों का जब इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता, इंश्योरेंस में नहीं होती गाड़ी, तब वो कहते हैं कि क्या इतने से उसमें इम्पैक्ट में ये एयरबैग खुल गए, हमारा तो इतना नुकसान हो गया, इतने पैसे लग गए। तो देखिए, एयरबैग खुलना ना खुलना, और जो मिथ है, जो मैं मिथ की बात कर रहा था, वो सबसे पहले जैसे ही अगर किसी कार के एयरबैग नहीं खुलते तब लोग सीधा ब्लेम करते हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होगी। आपने भी सुना होगा, और कहीं ना कहीं आप कितने भी एक्टिव हों इस नॉलेज में, कार्स की नॉलेज में, या कितने भी एंथुजियास्ट हों या कितने भी न्यू यूज़र हो, आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी ज़रूर। कोई भी गाड़ी हो, एक्सीडेंट हुआ, भले BMW, मर्सिडीज़, कई बारी उनके अगर एयरबैग नहीं खुलते या किसी की डेथ होती है तो सीधा कहते हैं सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होगी, इसी वजह से नहीं खुला। तो देखिए, सीधी सी बात है, मोटी मोटी जो एयरबैग सिस्टम है और जो सीट बेल्ट का सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। एयरबैग का काम आखिर क्या होता है, डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मेरी ये पोजीशन है, ठीक है, ये स्टेयरिंग है सामने, अगर इम्पैक्ट होता है तो मेरा जो मोमेंटम है वो आगे की तरफ जाएगा, और जब पहले एयरबैग नहीं होता था या किसी कार में नहीं है तो उसमें क्या होगा, मैं जैसे ही इम्पैक्ट मोमेंटम के साथ आगे जाएगा तो मेरा जो सिर है वो इसमें लगेगा, आप देखिए इसमें लगेगा, और ऐसी हेड इंजरी होती है जो काफ़ी फटैल साबित होती है और डेथ वगैरह हो जाती है। पूरी बॉडी में कहीं फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन आपका इम्पैक्ट, आपको स्टेयरिंग का ज़ोर से लग गया तो उसमें क्या होगा कि आपकी डेथ हो सकती है, और यही होता था। लेकिन हमारा जैसे ही इम्पैक्ट होगा तो हमें तो इसने कुशन दे दिया, एक प्रोटेक्शन मिल गई हमें, लेकिन हमारा सिर यहीं पर कैसे लगे, इसी में आप देखिए, इसमें स्टेयरिंग में ही सिर, अगर कितनी तेज़ एक्सीडेंट हो, कितना तेज़ मोमेंटम हो, उसमें तो पीछे का जो सामान रखा होता है बूट में वो उछल के आगे आ जाता है। तो फिर हम अगर यहाँ बैठे हैं तो हम सिर्फ इतना जो एयर बैग है, आप देखिए इतना बड़ा जो एयर बैग है, उसी पर कैसे हमारा सिर बीचों बीच लगे, वो पोजीशन कैसे सेट होगी। तो वही जो पोजीशन है हमें उस जगह पर सेट रखने के लिए ही सीट बेल्ट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर छोटा मोटा यानी इम्पैक्ट लगा तो इतना मोमेंटम नहीं होगा कि मैं उछल के आगे की तरफ आ जाऊँ, मैं सीधा यहाँ ठुकूँगा, लेकिन फिर भी आप देखें, फिर भी हो सकता है मेरा जो हेड है बीचों बीच ना आ जाए, मैं हल्का सा उछल के इस तरफ आऊँ यहाँ पर, और ऐसा ही होता है, मैं इस तरफ जाऊँगा, तभी भी मेरे को पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। जब मेरे सीट बेल्ट लगी होगी, सीट बेल्ट अगर लगी होती है तो उसमें आपको भी पता है उसमें क्या होता है, सीट बेल्ट मुझे यहाँ पर रखेगी, एक तो मेरा जो ऊपर की बॉडी है इसको इधर की तरफ ही केवल मूवमेंट मिलेगी, फ्री इसी डायरेक्शन में होगी, उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन सीट से ऊपर ना उठे, आप देखिए जो नीचे वाला पोर्शन है वो सीट से ऊपर ना उठे, उसके लिए जो नीचे की पट्टी होती है सीट बेल्ट की वो वर्क करेगी। उस केस में जितना भी तेज एक्सीडेंट होगा, कितना भी तेज एक्सीडेंट होगा, वो एकदम मुझे नीचे वाले पोर्शन को, कि ऊपर ना उठूँ मैं सीट से, वो मेरे को नीचे दबा के रखेगी, और ये जो यहाँ जो क्रॉस में आ रही है सीट बेल्ट, ये मुझे सिर्फ आगे की तरफ मूवमेंट देगी।
उस केस में चाहे मेरी स्पीड 80 है, 90, 100 है, या 30 या 35, कितनी भी स्पीड है, उस केस में मेरा जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा ऐसे। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है और आपकी गाड़ी में भले ही दो एयरबैग है, साइज़ कुछ भी, कैसा भी एयरबैग है, आप उछल के विंडशील्ड तोड़ते हुए, आप ये देखिए, आप उछल के यहाँ से विंडशील्ड तोड़ते हुए बाहर जाएंगे, समझ रहे हैं, आप शीशा तोड़ते हुए बाहर जाएंगे, किसी भी चीज़ से एक्सीडेंट होगा, अगर ट्रक वगैरह जो ऊंची चीज़ है उससे एक्सीडेंट होगा, आप इससे तो हेड इंजरी नहीं होगी लेकिन आप उछल के विंडशील्ड में लगेंगे जिससे हेड इंजरी होगी, और विंडशील्ड तोड़ते हुए आप जो सामने ऊंची चीज़ है जैसे कोई ट्रक वगैरह है, सीधा आप उसमें जाके आपका सिर लगेगा जहां आपकी डेथ कंफर्म है। वही चीज़ हमें सीट बेल्ट रोकती है, हमें अपनी पोजीशन पे बना के रखती है। दोनों चीज़ें, सीट बेल्ट हुई और एयर बैग हुआ, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आपको पोजीशन पे, उस पोजीशन पे सेट करके रखना कि आपका इम्पैक्ट जो है फेस है सीधा एयर बैग की तरफ ही मूव करे किसी भी इम्पैक्ट में, वो काम, वो अश्योरिटी देती है सीट बेल्ट। तो आपको आई थिंक कहीं हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी जिस भी तरह का मिथ फैलाया जा रहा है और जैसा भी चीज़ें बनाई जाती हैं, बातें बनाई जाती हैं, कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट को या सामने वाला जो कस्टमर है वो जब कंप्लेन करता है तो ये टेक्निकलिटी है ये समझाने में, क्योंकि उस समय जो माइंडसेट होता है ना कस्टमर का, वो यही सोचता है कि मेरे साथ चीट हुआ है, और अगर उससे कहा जाए सर ये टेक्निकलिटीज़ हैं, यहाँ सेंसर है, इस डायरेक्शन में है, तब सीधा कस्टमर गुस्सा हो जाता है और वो ये बोलता है मैं जब एक्सीडेंट करूँगा अब मैं क्या गुणा भाग करके कैलकुलेशन करके सेंसर की पोजीशन मार्क करके करूँगा। तो इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता और जो नॉन टेक्निकल बहस होती है उनका कोई एंड नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए बस आपसे ये पूछ लिया जाता है क्या सीट बेल्ट लगी थी, अगर वो पर्सन जिंदा है तो वो बता देगा हाँ लगी थी। और देखिए जो भी आपका डैमेज होता है ना, यानी जो आपको इंजरी होगी कहीं भी, उससे पता भी लग जाता है कि आपको कहाँ कहाँ इंजरी हुई है और सीट बेल्ट आपकी लगी थी या नहीं। सीट बेल्ट अगर लगी होगी तो आपके ब्रूजेस ज़रूर आएंगे, धक्का एकदम जब लगता है तो आपको नेक में छिलने के लाल से निशान ब्रूजेस पड़ेंगे ज़रूर, और उससे पता लग जाता है कि सीट बेल्ट लगी है या नहीं लगी। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो और अच्छा लगा हो ये सारी जो नॉलेज थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर उनके दिमाग में भी डाउट है किसी तरह का या वो भी इस मिथ को सही मानते हैं, आपसे कभी शेयर कर चुके हैं इस तरह की बात कि सीट बेल्ट लगाने पर ही एयरबैग खुलता है, और बने रहिए संस्कारी सुमित के साथ। जय हिंद।